आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना या जन विवाह स्कीम नामक योजना राज्य के नए जोड़ों के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक नए जोड़ों के लिए 35,000 रुपए उनके विवाह के लिए खर्च किए जाएंगे। इसी कड़ी में प्रदेश के तमाम जिलों में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों जोड़े विवाह के बंधन में बंध गए। तस्वीरें देख सकते हैं आप, प्रतापगढ़, सीतापुर, रामपुर, मैनपुरी, संभल, अलीगढ़, ये तमाम जगह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पे कई लोग शादी के बंधन में बंधे हैं। सामूहिक विवाह का इन जगह पे आयोजन किया गया है। भव्यता पूर्वक, समारोह पूर्वक हम लोगों ने सामूहिक विवाह, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सामूहिक विवाह कार्यक्रम रखा है, और उसमें अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हो चुके हैं, 345 जोड़ों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और उनकी शादियाँ हो रही हैं। कुछ और जोड़े जो बाद में आए हैं, उनके रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई हो रही है, जिसमें 324 जोड़े हिंदू हैं और 21 मुस्लिम जोड़ों के भी निकाह के आयोजन आज इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत कराया जा रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे जिला प्रशासन ने करी है और 400 से ज्यादा शादियां हो रही है, उनमें विवाह भी है, निकाह भी है। मैं सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जनपद संभल में भी लगभग जो हम 536 जोड़े हैं जो हिंदू रीति रिवाज से अपने पढ़ने सूत्र में बंध रहे हैं, तथा 202 ऐसे जोड़े हैं जो कि निकाह के अंतर्गत उनकी शादियां हुई है। तो कुल 738 जोड़े हैं जो आज के अवसर पर उनकी शादियां हो रही है, और सरकार ने इनका खास ख्याल रखा है। इन लोगों को जो भी शादी में जितनी सामग्री की जरूरत होती है सरकार के माध्यम से दी गई है। 700 जोड़ों का विवाह प्रपोज था और वो कार्यक्रम चल रहा है, समापन की तरफ है। उसमें पूरे नगरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, हमारे ब्लॉक की जो विवाह समितियां हैं, उन लोगों ने जो अपने जोड़े आज भेजे थे, जो सूची बन रही थी, उसके अनुसार 700 लोगों का जोड़ा, मतलब 700 जोड़ों की शादी प्रपोज थी। उसमें जो है 469 हिंदू, 230 मुस्लिम और एक जो है क्रिश्चियन शादी आज होनी थी। आज हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदया और इन लोगों के द्वारा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया और बहुत अच्छी तरीके से हमारी शादियां संपन्न हुई हैं। गरीब मजदूर किसान की बेटियां जो आर्थिक तंगी कारण जिनकी शादी विवाह संपन्न नहीं हो पाते थे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उन गरीबों की आज शादियाँ बहुत हंसी और उल्लास के साथ मनाई जा रही हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं, देश के प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं कि इस तरह कार्यक्रम जो उन्होंने आयोजित किए हैं, इससे गरीब और मजदूर को निश्चित रूप से उनकी तकदीर बदलेगी, उनकी तस्वीर बदलेगी, और गरीब बेटियों की शादी समारोह एक बहुत ही भव्य आयोजन, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है। 853 तो हिंदू जोड़े हैं और 15 मुस्लिम जोड़े हैं, तो टोटल 468 जो हैं जो वर्तमान तक रजिस्टर्ड है। और इस सामूहिक विवाह योजना में 35,000 रुपये जिस कन्या की शादी हो रही है उस कन्या के खाते में भेज जाते हैं, 10,000 रुपये का सामान दिया जाता है और 6,000 रुपये आयोजन में खर्च किए जाते हैं। तो प्रत्येक जोड़े पे 51,000 रुपये का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। सामूहिक विवाह योजना या जन विवाह स्कीम नामक योजना राज्य के नए जोड़ों के लिए शुरू की गई है, जिससे गरीब मजदूर, ऐसे वर्ग के लोग जो अपने बच्चों की शादी करने में असमर्थ होते हैं, जो इन विवाह के खर्चों को वहन नहीं कर सकते, उनके लिए ये स्कीम लाई गई है, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक नए जोड़ों के लिए 35,000 रुपए उनके विवाह के लिए खर्च किए जाएंगे। और इसी कड़ी में प्रदेश के तमाम जिलों में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, प्रतापगढ़, सीतापुर, रामपुर, मैनपुरी, संभल, अलीगढ़, यहां से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पे सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, गरीब लोगों की शादी करवाई गई। इसमें अलग अलग
धर्म समूह सभी के लोग शामिल थे, सिर्फ हिंदू ही नहीं, कुछ मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों ने भी इस सामूहिक विवाह में भाग लिया, जिसमें सैकड़ों जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया, वो विवाह के बंधन में बंधे। तस्वीरें देख सकते हैं आप, और अब आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है वहां पे आयोजकों ने और मंत्रियों ने, और किस तरह से लोगों का कल्याण हो रहा है इस योजना के तहत, और कितने जोड़े शादी के बंधन में बंधे हैं, एक बार आप भी सुनिए। भव्यता पूर्वक, समारोह पूर्वक हम लोगों ने सामूहिक विवाह माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सामूहिक विवाह कार्यक्रम रखा है, और उसमें अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हो चुके हैं 345 जोड़ों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और उनकी शादियाँ हो रही हैं। कुछ और जोड़े जो बाद में आए उनके रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई हो रही है, जिसमें 324 जोड़े हिंदू हैं और 21 मुस्लिम जोड़ों के भी निकाह के आयोजन आज इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत कराया जाए। बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे जिला प्रशासन ने करी है, और 400 से ज्यादा शादियां हो रही है, उनमें विवाह भी है, निकाह भी है। मैं सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जनपद संभल में भी लगभग जो हम 536 जोड़े हैं जो हिंदू रीति रिवाज से अपने प्रणय सूत्र में बंध रहे हैं, तथा 202 ऐसे जोड़े हैं जो कि निकाह के अंतर्गत उनकी शादियां हुई है। तो कुल 738 जोड़े हैं जो आज के अवसर पर उनकी शादियां हो रही है, और सरकार ने इनका खास ख्याल रखा है। इन लोगों को जो भी शादी में जितनी सामग्री की जरूरत होती है सरकार के माध्यम से दी गई है। 700 जोड़ों का विवाह प्रपोज था और वो कार्यक्रम चल रहा है, समापन की तरफ है। उसमें पूरे नगरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, हमारे ब्लॉक की जो विवाह समितियां हैं, उन लोगों ने जो अपने जोड़े आज भेजे थे, जो सूची बन रही थी, उसके अनुसार 700 लोगों का जोड़ा, मतलब 700 जोड़ों की शादी प्रपोज थी। उसमें जो है 469 हिंदू, 230 मुस्लिम और एक जो है क्रिश्चियन शादी आज होनी थी। आज हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदया और इन लोगों के द्वारा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया, और बहुत अच्छी तरीके से हमारी शादियां संपन्न हुई हैं। गरीब मजदूर किसान की बेटियां जो आर्थिक तंगी कारण जिनकी शादी विवाह संपन्न नहीं हो पाते थे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उन गरीबों की आज शादियाँ बहुत हंसी और उल्लास के साथ मनाई जा रही हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं, देश के प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं कि इस तरह कार्यक्रम जो उन्होंने आयोजित किए हैं, इससे गरीब और मजदूर को निश्चित रूप से उनकी तकदीर बदलेगी, उनकी तस्वीर बदलेगी, और गरीब बेटियों की शादी समारोह एक बहुत ही भव्य आयोजन, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है। 853 तो हिंदू जोड़े हैं और 15 मुस्लिम जोड़े हैं, तो टोटल 468 जो हैं जो वर्तमान तक रजिस्टर्ड है। और इस सामूहिक विवाह योजना में 35,000 रुपये जिस कन्या की शादी हो रही है उस कन्या के खाते में भेज जाते हैं, 10,000 रुपये का सामान दिया जाता है और 6,000 रुपये आयोजन में खर्च किए जाते हैं। तो प्रत्येक जोड़े पे 51,000 रुपये का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। अलीगढ़ में जहां सभासद की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत कूड़े एवं गंदगी के ढेर की साफ सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्षेत्र में भ्रमण किया, और उन्होंने नगर निगम कर्मचारियों के साथ मिलकर क्षेत्र में गंदगी की समस्या को निजात दिलाने, लेकिन महेंद्र नगर क्षेत्र में सालों से गंदे पानी की समस्या सड़कों पर देखी जा रही है। नगर निगम की तरफ से क्षेत्र में सफाई अभियान नहीं चलाया जाता है, जिसकी वजह से सड़कों पर गंदा पानी साफ देखने को मिलता है। अब देखना यह होगा कि नगर निगम के अधिकारी निगम सभासद की समस्या नहीं सुनते हैं तो आम जनता की समस्या कैसे सुनेंगे। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से गंदा पानी सड़क के बीचों बीच भरा हुआ है और लोग इसी में से निकलने को मजबूर है। तो जहां एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं जहां कूड़ा गंदगी और गंदा पानी साफ देखने को मिल रहा है। सड़क पर गंदा पानी और कूड़े का ढेर लगा हुआ है और नगर निगम इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, अनदेखी कर रहा है। शिकायतों के बाद भी इस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है और सभासद की बात भी नहीं सुनी जा रही है। आइए अब आपको सुनाते कि इस पर सभासद का क्या कहना है। मैंने जगह जगह से कूड़े के ढेरे उठवाई और सफाई व्यवस्था को अपने हाथों से कराया, खुद लगकर कराया।
किसके क्षेत्र में आपने ये सारे कार्य कराए हैं? महेंद्र नगर रोड और इस पे कालीदेत रायपर, दो जगह कराए थे। ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितेश जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से। नितेश, गंदे पानी की और ये कूड़े की जो समस्या है, कितने समय से देखने को मिल रही है? जी जी नीतीश, इस पर शिकायतें की गई हैं कि नहीं की गई हैं नगर निगम को? सभासद का क्या कहना है? जी नीतीश, जब सभासद की बात नहीं सुन रही है नगर निगम, तो आखिर किसकी बात सुनेगी नगर निगम? किससे शिकायत करनी पड़ेगी अब? और हमारी कोई शिकायत क्यों नहीं सुन रहा है? बहुत ज्यादा परेशान है बाकी जनता, और लगातार बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है उन्हें। जी, तो ये पॉश एरिया देखने को मिल रहा है, तस्वीरें हम देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा एरिया जहाँ पे इस तरीके की गंदगी फैली है। एक तरफ डेंगू और बाकी की बीमारियां फैलती हुई नजर आ रही हैं, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ ऐसी गंदगी देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे ऐसे अलीगढ़ के नगर निगम के लिए? मैं अपने माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि लगातार जिस हिसाब से सरकार कार्य कर रही है और स्वच्छता मिशन चला रही है, उसके तहत अगर देखा जाए तो अलीगढ़ बहुत पीछे है। और इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लगातार गंदगी का मंजर बना हुआ है। और इस विषय में नाते जो वार्ड सभासद है उनसे भी हमने बात की, तो उन्होंने बोला हमारी कोई अधिकारी सुनने को राजी नहीं है। जी तो नितेश, हम चाहेंगे कि आप नगर निगम भी जाएं और वहां पे अधिकारियों से बात करें और इस पर सवाल करें कि आखिर वो इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, और उनकी जो कुछ भी सफाई सामने आती है वो हमारे चैनल के माध्यम से जनता तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ नितेश जुड़े थे अलीगढ़ से, जिन्होंने ये बात सामने रखी है कि जनता को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, गंदगी में से जूझ रहे हैं लोग, जहां एक तरफ बीमारियों का खतरा है, संक्रमण का खतरा है, वहीं गंदगी में रहने को मजबूर है लोग, और रास्ते में इस तरह का गंदा पानी आप देख सकते हैं कि जानवर भी यहां मौजूद है, कूड़े का ढेर लगा हुआ है और लोगों को इसी बीच निकलना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में आज से सरकार की तरफ से चलाई जा रही राशन वितरण योजना के तहत आज से होली तक मुफ्त राशन वितरण की शुरुआत की जा रही है। इसी कड़ी में कौशाम्बी में जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने राशन वितरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित उचित दर विक्रेता के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। इसी के साथ अमित तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों को माह दिसंबर 2021 के प्रथम चक्र में खाद्यान्न के साथ प्रति कार्ड 1 किलोग्राम चना, 1 किलोग्राम नमक, 1 लीटर तेल, खाद्य तेल का वितरण किया जाएगा, जो कि निशुल्क रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ धाम के सौंदर्यीकरण और विकास कार्य की शुरुआत करेंगे। इस समारोह से देश भर के लोग तथा भाजपा कार्यकर्ता अनेकों स्थानों से जुड़ेंगे और लाइव समारोह को देखेंगे। सभी प्रमुख मंदिरों, मठों और अन्य धार्मिक संस्थानों में स्क्रीन लगाई जाएगी। वहीं अलीगढ़ में भाजपा महानगर कार्यालय में दिव्य काशी भव्य काशी को लेकर महानगर अध्यक्ष डॉक्टर विवेक सारस्वत ने प्रेस वार्ता में बताया कि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। इसका महानगर के सभी 138 शक्ति केंद्रों पर शिवालयों तथा प्रमुख मठ मंदिरों में व्यवस्थित रूप से स्क्रीन लगाकर लोकार्पण समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस दौरान धर्माचार्य और साधु संतों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो वही
काशी को लेकर जो ये नया रूप देखने को मिल रहा है, इसको प्रेस वार्ता के दौरान बताया भी क्या गया है, क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। हमारे देश के तीन प्रमुख देवालय थे राम कृष्ण विश्वनाथ, हमने अयोध्या में कोर्ट के आदेश से और माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से आज वहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार काशी विश्वनाथ में आप लोग गए हों ना गए हों, मैं पहले गया था, एक छोटे से गलियारे से होके हमें मंदिर के लिए गुजरना पड़ता था, एक साइड में मस्जिद थी और छोटी सी गली थी। अभी सौभाग्य से दो बार मुझे जाने का अवसर हुआ, एक वहाँ विशाल मंदिर का निर्माण हुआ है, विशाल कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। हम सीधा गंगा स्नान करने के बाद सीधा भगवान भोलेनाथ पर जाकर जल चढ़ा सकते हैं। उसी का लोकार्पण हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गोरखपुर में राष्ट्रीय संघ सेवक के सक्रिय कार्यकर्ता विकास शुक्ला ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि मेरी जमीन को जबरन पूर्व सपा नेता कब्जा करना चाह रहा है और जानमाल की धमकी देने के साथ ही मुकदमे में सुलह का दबाव बना रहा है। पुलिस इसके प्रभाव और पैसे के दम पर मामले में लीपापोती करने में लगी हुई है। उनके साथ आए परशुराम सेना के प्रदेश महामंत्री प्रशांत पांडे ने कहा कि इस दबंग सपा नेता के खिलाफ हम लोगों ने कई बार शिकायत पुलिस और जिला प्रशासन से की है, लेकिन अभी तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इन्होंने प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। देखिए, हम लोग ब्राह्मण समाज की राजनीति करते हैं, वर्तमान समय में एक जमीन को विवाद को लेके यह हमारे मित्र हैं और इनकी जमीन जो है पिछले 10-15 सालों से एक समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं हरिवंश यादव, उन्होंने फर्जी तरीके से इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था। शासन प्रशासन से बार बार कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि यह एक आरएसएस कार्यकर्ता भी हैं और इनकी सरकार में रहते हुए भी इनकी सरकार है और इस प्रकार से ब्राह्मणों के खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है। अगर इस सरकार में इसी प्रकार चलता रहा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या यही रामराज्य है? इसी रामराज्य की आप परिकल्पना करते हैं? जब ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, इनकी जमीन आज 15 साल से हरिवंश यादव कब्जा करके बैठा है। खजनी विधानसभा के पूर्व सचिव है, समाजवादी पार्टी के नेता है हरिवंश यादव, उन्होंने मेरी 8.5 डिसमिल जमीन दुगना चौराहे पर कब्जा कर लिया है। करीब 10-15 वर्षों से उन्होंने कब्जा किया है, फर्जी 229 भी करा करके अपने पिताजी के नाम से, और मैं अभी इस मामले को लेकर के 10 वर्षों से मुकदमा लड़ रहा हूँ और आज के समय में भी मैं कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं कई जगह दर पर दर भटकते हुए इतना परेशान हो गया हूं कि अब मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं ये प्रेस वार्ता कर रहा हूं। मुझे आए दिन जान से मारने की धमकी मिल रही है, मेरे परिवार का सदस्य कोई भी जाता है चौराहे पर तो उसको बराबर से धमकी मिल रही है। देखिए, हम लोग ब्राह्मण समाज अलीगढ़ में दहेज की मांग पूरी न होने के चलते बहू को घर से निकालने का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता का कहना है कि ससुराल जन 2 लाख रुपए की गाड़ी की मांग करते हैं, गाड़ी न देने के चलते ससुरालियों ने शादी के 5 महीने बाद ही बहू को घर से निकाल दिया। बातचीत के दौरान पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी मुस्लिम रीति रिवाज से रहूफ के साथ हुई थी, शादी में करीब 7 लाख रुपए खर्च हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल जन 2 लाख रुपए की मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। जब युवती ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट करने लगे और उसके घर के बाहर निकाल दिया गया। वहीं मामले को लेकर पीड़िता एसएसपी कार्यालय पहुंची, लेकिन अधिकारी की अनुपस्थिति में पीड़िता को वापस लौटना पड़ा और इस मामले में उसने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। मेरी शादी 20 दिसंबर में हुई थी और मेरे मियां नहीं है, जनगांव में जाते हैं, किन्नर है वो, इस मेरा कोई वो नहीं हुआ है संबंध, और वो भी उनकी साइड बोलते हैं। जब मैं कुछ कहती हूँ उनके घर वाले के बारे में, वो भी उनकी साइड बोलते हैं, मुझे मारा पीटी करते हैं, उनके संग मिलकर पैसों की डिमांड करते हैं। हाँ, लखनऊ की मना कर रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा, मैं तुझे फैसला दूंगा,
गाड़ी मांगते हैं, चक्कर में छोड़ूंगा, तू गाड़ी लेके आ, गाड़ी से लाई ना, मेरी तो बेटे की, उनकी अम्मी कह रही है मेरे तो बेटे की हो रही है शादी दिल्ली से, माँ से कार मिल रही है, अगर तू कार ना लाई तू। मऊ जनपद में मंचलो युवकों का कारनामा सामने आया है, जहां कुछ युवक सरायल खांसी थाना क्षेत्र के बेलचौर रेलवे स्टेशन पर कार से स्टंट कर रहे थे। वहीं ट्रेन से अचानक आ जाने से युवक कार को बी ट्रैक पर छोड़कर फरार हो गया। वहीं इसके बाद ट्रेन की टक्कर लगने की वजह से कार के परखच्चे उड़ गए। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो रेलवे ट्रैक पर स्टंट करना महंगा पड़ा युवक को, हालांकि युवक सुरक्षित है। मऊ जनपद में मंचलो का ये कारनामा सामने आया है, जहां कुछ युवक सरायल खंसी थाना क्षेत्र के बैलचौरा रेलवे स्टेशन ट्रैक पर कार से स्टंट कर रहे थे। वही ट्रेन के अचानक आ जाने से युवक कार को बीच ट्रैक पर ही छोड़कर फरार हो गया। तो मऊ से यह खबर सामने आ रही है, जहां रेलवे ट्रैक पर कार से स्टंट किया जा रहा था और ये स्टंट करना युवक को भारी पड़ा। जब अचानक से ट्रेन आ गई तो युवक बैलचौरा रेलवे ट्रैक पर कार को बीच में ही छोड़कर वहां से फरार हो गया और ट्रेन के परखच्चे उड़ गए। तो युवक कार को बीच ट्रैक पर ही छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद ट्रेन की टक्कर लगने की वजह से कार के परखच्चे उड़ गए। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो ये मऊ से खबर सामने आ रही है और हमारे साथ संवाददाता कमलेश जुड़ चुके हैं इस खबर पे। कमलेश, कहां की घटना बताई जा रही है ये? जी शिखा जी, हम बता दें आपको, ये सलाहाबाद रेलवे क्रॉसिंग की घटना है और उस वक्त पटरी पे ही वो गाड़ी को चला रहे थे। कुछ जो ड्राइवर था वो काफी ड्रिंक ले चुका था और उसी समय ट्रेन आ रही थी और बाल बाल हादसा होने से बचा है। जी, कितने बजे का ये हादसा बताया जा रहा है? मैम ये करीब लगभग 4 बजे का हादसा बताया जा रहा है। जी, तो कमलेश, अब इस तरह की घटना सामने आने के बाद पुलिस क्या एक्शन ले रही है? मैम अभी तक पुलिस जो है आरपीएफ के जो पुलिस है वो गाड़ी का पता कर रहे हैं कि गाड़ी किसके नाम से है। अभी गाड़ी का पता नहीं चला मैम कि गाड़ी किसकी और कहाँ की गाड़ी है। जी, तो क्या ये जानकारी है कि कितने लोग थे? मैम 3 लोग थे। 3 लोग थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ कमलेश जुड़े थे संवाददाता मऊ से। नहीं होता है ऐसे ही हुनर को निखारने के लिए परछाई फाउंडेशन कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिसमें हुनरमंदों को एक नया मुकाम देने जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला जिला अलीगढ़ के शहर का है, जहां परछाई फाउंडेशन अल्फा नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसके तहत परछाई फाउंडेशन उन टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देना चाहता है जो अपने हुनर को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। परछाई फाउंडेशन 20 दिसंबर 2021 को एक ऑडिशन आने जा रहा है, जिसमें किड्स, जूनियर्स और सीनियर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सिंगिंग, डांसिंग और मॉडलिंग के लिए अपना ऑडिशन दे सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम लोग परछाई फाउंडेशन एनजीओ है, उसके तहत एक इवेंट कराने जा रहे हैं जिसका नाम है अल्फा, जिसमें हम डांसिंग, सिंगिंग और मॉडलिंग में हम करेंगे। इसके लिए हमारा मेन मकसद यही है कि वो लोगों को टैलेंट आगे लाएं जो लोग अपना टैलेंट दिखा नहीं पाते हैं। इसमें हमारे दिव्यांग जो लोग होते हैं उनके हमने स्पेशल परफॉर्मेंस भी रखवाई गई हैं, ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सके, क्योंकि उनके अंदर टैलेंट बहुत होता है लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, इसलिए हम उसके रखा है हमने कि वो टैलेंट अपने दिखा सके। देखिए, परछाई फाउंडेशन के बैनर तले एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जो बहुत एक अच्छा कार्यक्रम रहेगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों, क्योंकि सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो अलीगढ़ में ये बाहर होते हैं उसमें जो है ना दिव्यांग लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। हमारे शहर से भी कुछ ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जिन्होंने अपना नाम किया, आप लोगों ने देववाचने का नाम सुना होगा जो टीवी तक गया, लेकिन ऐसे दिव्यांगों को आगे आने की जरूरत है कि वो ऐसे दिव्यांग अपनी प्रतिभा को निखारने आ गए हैं। इसी उद्देश्य के साथ परछाई फाउंडेशन इस कार्यक्रम को कर रही है और एक बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसका नाम अल्फा रखा गया है। और इस कार्यक्रम के को डांसिंग, सिंगिंग और मॉडलिंग तीनों क्रमों में किया जा रहा है। कोशिश है एक अच्छे प्लेटफॉर्म देने की, बड़ा प्लेटफॉर्म देने की, तो बहुत अच्छा प्रयास परछाई फाउंडेशन कर रही है।
वहीं खबर सीतापुर से है, जहां पर एक खेत की रखवाली कर रहे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें मृतक के पुत्र ने गांव के ही निवासी के एक व्यक्ति को नामजद किया। इस घटना को लेकर पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी मृतक के पुत्र पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पुलिस इस मामले की जांच करते हुए घटना का सफल अनावरण कर दो अभियुक्तों मृतक के बेटे रणधीर सिंह और नौकर सर्वेश उर्फ लाल निवासी सीतारामपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता कुलदीप जुड़ चुके हैं सीतापुर से। कुलदीप, कितने लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं? इसमें जो कि पूर्व 27 नवंबर को जो कि घटना हुई थी मोहली थाने के अंतर्गत गांव खेरवा के पास पड़ता है, वहां पे जो कि ये इसका जो सर्वेश जो है पुत्र सर्वेश के पिता वहां गए थे, रखवाली कर रहा था खेत में। वहीं पर जब दोनों लोग नौकर और इसका जो मृतक है उसका पुत्र जो कि दोनों लोग वहीं पर थे और खेत की रखवाली करते समय वहां पे जो है इसे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक का पुत्र का कहना था, नौकर पर आरोप लगाया गया था जो कि उसने कहा था कि हम नौकर के पर का नौकर ही गोली मारा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता कुलदीप जुड़े थे सीतापुर से। और अयोध्या में सरकारी धान खरीद केंद्र पर मानक से किसानों का धान खरीदने पर भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी भड़क गए। खरीद केंद्र के गेट के सामने ही फर्श बिखरा बिछाकर धरने पर बैठ गए। मामले की सूचना मिलने पर पहुंचे तहसीलदार के सामने जब किसान यूनियन के पदाधिकारी किसानों से खरीदे बिना बोरे की दोबारा तौल ना होने तक धरना समाप्त करने की राजी नहीं हुए। किसान यूनियन के पदाधिकारी ने केंद्र के सामने धरने पर बैठ जाने और मामला बिगड़ते देखकर तहसीलदार ने मामले के संबंध में उपजिलाधिकारी विधुना को अवगत कराया। धरने में भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के प्रदेश संगठन मंत्री विपिन सिंह तोमर, प्रदेश महासचिव अनिल कुमार सिंह, पदाधिकारी और किसान भी मौजूद रहे। इसमें मुख्यतः दो इशू हैं, एक धान खरीद के संबंध में है, अतिरिक्त धान लेने के संबंध में शिकायत है किसान यूनियन की तरफ से। दूसरा इशू है इन लोगों का कि गरीबों का खाद्यान्न वितरित होना है, यदि वहाँ पहुँचा नहीं तो वितरित नहीं होगा, फिर उनके ऊपर पेनाल्टी कार्रवाई होगी जिसके लिए जो है कोटेदार दोषी नहीं होता है। हम लोगों ने अभी जाके देखा है पूरा और जो नियम संगत है उसके संबंध में। यहाँ पर हमें कई बार किसानों के फ़ोन आए कि यहाँ पर हमारा शोषण हो रहा है, 41 किलो 300 ग्राम 400 ग्राम हमारा धान तोला जा रहा है और हमें अधिकारी ये मानक गलत बता के लौटा दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा तो दिक्कत आ रही है किसानों को, 41 किलो 300 ग्राम 400 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम की तौल करवा रहे हैं ये, और जबकि सरकार की तरफ से ये केवल 40 किलो 700 ग्राम तक माल ले सकते हैं और इससे ज़्यादा धान नहीं तोल सकते हैं। और ये किसानों को अगर 500 ग्राम तो एक बोरी में जा रहा है तो किसानों को बहुत फ़र्क पड़ेगा, इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो दलाली करते हैं, ये दलालों का माल लेते हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।